भारत के लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और CBI के माध्यम से डरा के, धमका के, उन पे केस करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं
कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर है। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक जेड प्लस सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है, सिक्योरिटी वाला जो आपने सवाल खड़ा किया है, क्या लग रहा है, किसी तरीके की साजिश आपको लग रही है कि हो सकती है, या किस तरीके का कंसर्न आप जता रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक जेड प्लस सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या उनको ईडी की कस्टडी में मिल रही है? कौन उस ईडी के ऑफिस में अंदर जा रहा है? जिस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल हैं, उस लॉकअप में कौन जा रहा है, उनकी क्या चेकिंग हो रही है, उनके पास क्या मटेरियल है, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक कारण है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े सिक्योरिटी के खतरे हो सकते हैं। लेकिन आज जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी की कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। वहां सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई है, वहां से कितनी उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, बस इस बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है, और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। क्या इंडिया अलायंस के लीडर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पहला मामला नहीं, आपके हेमंत सोरेन की पहली गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल, तो एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट और यूनाइटेड कॉल, कुछ प्लानिंग ऐसी है? हम लगातार इंडिया अलायंस के नेताओं से सबसे टच में हैं, उनमें से कई लोग अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से बात भी कर चुके हैं, हमारी भी कई नेताओं से बात हुई है, और इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने फोन पर भी और ट्विटर और मीडिया के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक सॉलिडारिटी दिखाई है।
ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नहीं है, आज ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, विपक्ष के एक प्रमुख नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये चुनाव को प्रभावित करने का अगर तरीका नहीं है तो और क्या। थैंक यू। आप लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे, वो क्या आज दिल्ली और देशभर में होने जा रहा है? बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन आज केंद्र सरकार का जो डर है वो दिल्ली की सड़कों पे भी दिख रहा है। आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस को एक छावनी बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने 2 से 2,500 पुलिस वाले खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस की सड़क के सामने हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले खड़े हैं। पूरी दिल्ली से, पूरे देश से पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इकट्ठा किया गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है, उनको पता है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पुलिस के माध्यम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से अब दिल्ली के लोगों की और देश की लोगों की आवाज को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।